subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. 42 लाख का काम 2 लाख में निपटाने का आरोप, पूर्व पार्षद ने दी नाले के अंदर बैठकर धरने की चेतावनी। रामनगर में पिछले 3 दिनों से गंदे पानी आने की शिकायत पर लोगों ने नारेबाजी कर जल संस्थान व जल निगम के खिलाफ हंगामा किया। आरोप लगाया कि क्षेत्र में जो राइजिंग लाइन डालने का काम चल रहा है उसमें बड़ी धांधली ठेकेदार द्वारा अधिकारियों की मिलीभगत से की जा रही है। रुड़की के रामनगर में पिछले कुछ दिनों से राइजिंग लाइन डाले जाने का कार्य चल रहा है जिसमें 3 ट्यूबवेलों की लाइन एक साथ जोड़ी जा रही है। धीमी गति से काम चलने का आरोप लगाकर पहले भी लोग यहां हंगामा कर चुके हैं। वही आज स्थानीय लोगों ने 3 दिन से गंदे पानी आने की शिकायत पर हंगामा किया। पार्षद पंकज सतीजा ने कहा कि 42 लाख की लागत से जो कार्य किया जा रहा है इसका कोई लाभ क्षेत्र को नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि पानी की पाइपलाइन में नाली का गंदा पानी जा रहा है, लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में वह कई बार अधिकारियों से भी बात कर चुके हैं लेकिन आज तक कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। पूर्व सभासद दिलीप कुमार दीपा ने कहा कि इस कार्य में ठेकेदार ने बड़ी धांधली की है। इस अवसर पर धर्मपाल मेघलानी, चंद्र प्रकाश, रवि अरोड़ा, किशन अरोड़ा, गोपाल मलिक, मणि आहूजा, अशोक तनेजा, सुरजीत तनेजा, हरीश खट्टर, बिट्टू खट्टर, अनिल श्याम सेतिया, ठाकुर दास, भूपेंद्र आदि स्थानीय लोग उपस्थित रहे। देखिए न्यूज 13 की रिपोर्ट।